दिन भर मैं हूं शेख जूही, रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में गोगा मेडी हत्याकांड में अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद बदमाशों को मोबाइल पहुंचाने के साथ ही अन्य सुविधा उपलब्ध करवाने वाले दो जेल गार्ड समेत 11 लोगों को चित्रकूट पुलिस ने अदालत में पेश कर 3 दिनों की रिमांड पर लिया। पुलिस अब आरोपियों से पता लगा रही है कि हर महीने करीब 20 लाख वसूलने के बाद बंदियों को किस तरह की सहूलियत दी जा रही थी और ये काम कब से चल रहा था। राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले के बोली थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हैं। बता दें हादसे के शिकार हुए सभी लोग एक ही परिवार से थे। 26 अप्रैल को मतदान के दिन शेरगढ़ विधानसभा के नखडाऊ गांव के मतदान केंद्र पर हुए विवाद घटना में विधायक बाबू सिंह राठौर की मुसीबतें कम नहीं हो रही है। घटना के दिन जहां पुलिस ने इस मामले को लेकर धारा 189 में रिपोर्ट दर्ज की थी, अब इस मामले में BSF जवान विकास कुमार की ओर से बाबू सिंह के खिलाफ चमू थाना में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें विकास कुमार ने बताया कि उन्होंने मुझे बहुत बुरा व्यवहार किया और मुझ पर हमला करने की कोशिश भी की। भाजपा में शामिल होने के बाद अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हमें भाजपा के बैनर तले और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली की जनता के लिए कदम उठाने का मौका दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि देश भर में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी, आने वाले दिनों में दिल्ली में भी भाजपा का परचम लहराएगा। दिल्ली कांग्रेस को नए अध्यक्ष मिल गए। दिल्ली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव को दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार मिला। उन्होंने एक कार्यक्रम में पद की कमान सौंपी गई। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रेत माफियों ने KSI महेंद्र बागेरी की अवैध रूप से खनन की गई रेत को ढोने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलकर हत्या कर दी। बॉलीवुड एक्टर श्रियाज तलपड़े ने भी कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट की खबरों के बीच अपना अनुभव शेयर किया। एक्टर का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से ही वो स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे और इसी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था। सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस हिरासत में मारे गए आरोपी अनुज के परिवार ने उसकी मौत की जांच CBI से कराए जाने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है। पुलिस का दावा है कि अनुज ने हिरासत में आत्महत्या की है जबकि उसकी मां रीता देवी ने शुक्रवार को उच्च न्यायालय में अपनी याचिका में लिखा कि उसके बेटे की हत्या की गई है। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि PM नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बने। एक्स पर जारी एक पोस्ट में इकबाल अंसारी ने कहा कि PM मोदी भाग्यशाली हैं कि उनके चुनाव राम की नगरी से शुरू हो रहा है। उनके 10 साल का PM पद का कार्यकाल बहुत अच्छा है। हम उन्हें अयोध्या आने से बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि एक बार फिर वो देश के प्रधानमंत्री बने। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में घायल हुए भारतीय वायुसेना के 5 जवानों में से एक की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। एक और सैनिक की हालत गंभीर है और उसका इलाज जारी है जबकि बाकी 3 की हालत स्थिर है। आज खबर दिन भर में सिर्फ इतना ही। दिन भर की तमाम खबरों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।